हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम एक स्पेशल डिश बनाने वाले। तो जिन जिन को तीखापन, खट्टा वो सब अच्छा लगता, ज़्यादा तीखा खट्टापन वो सब अच्छा लगता, उनके लिए तो एकदम बेस्ट डिश है। तो अभी ये कैसा बनाने का और क्या क्या लगते वो सब देखते पहले। तो चलो बनाते। तो मैंने इधर एक बर्तन लिया है, तो उसमें एक एक मुट्ठी भर शेंगदाने लिया, वो भी कच्चा वाला लिया है। तो उसमें अभी पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। फिर अभी इसे अच्छे से उबाल के लेना है, अच्छे से इसका थोड़ा बहुत अच्छे से पकने तक उबाल के लेना है। तो अभी ये अच्छे से उबाल के हुआ है, अभी गैस बंद कर देंगे। मैंने मीडियम लेवल पर रख के पकाया है इसको। तो अभी इसका पूरा पानी निकाल लेंगे हम। तो अभी इसका पूरा पानी निकल रहे, तो बहुत गर्म है इसलिए वाफ भी मस्त पे क्या आ रहा। तब इसका पानी सब निकला है। तो मैंने एक प्लेट लिया, उसमें शेंगदाने रखा है। तो उसमें अभी कांदा डाल रहा हूँ मैं छोटा छोटा कट करके। फिर कुकुम्बर डाल रहा हूँ थोड़ा। फिर कुकुम्बर डालने के बाद हमें टमाटर डालना है। टमाटर डालने के बाद मैंने छोटा सा आम लिया है, वो कैरी लिया है, कैरी आम दोनों एक ही, हाँ वही। तो अभी उसके बाद कैरेट डालेंगे, वो भी छोटा छोटा कट किया है, सब छोटा छोटा कट किया है। फिर अभी वो भी दोनों को डालने के बाद हमें अभी मसाला की तरफ जाएंगे। तो मसाले की तरफ मैंने 1 टेबलस्पून तीखा मसाला लिया है। तो ज़्यादा तीखा चाहिए उनको और भी डाल सकते हो, और कम चाहिए उनको कम भी डाल सकते हो। मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है तीखापन, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो ये अच्छा तीखा वाला मसाला है। तो उसके बाद नमक ऐड करेंगे। तो अभी नमक डालने के बाद हमें पेपर पाउडर ऐड करने का है। तो अभी पेपर पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। तो पेपर पाउडर में मैं तीखापन के लिए ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इधर चाट मसाला ले लिया है। तो अभी चाट मसाला भी ऐड करेंगे। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डालो तो कैसा अच्छा टेस्ट आएगा एक। अभी चाट मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। तो अभी तक हमारा मिक्स करने के बाद भी हमारा ये डिश पूरा नहीं बना। तो अभी हमें ये पूरा बनने के लिए इसे पहले अच्छे से मिक्स करके लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी 2 इंग्रेडिएंट्स डालने का है, फिर ही हमारा डिश खाने के लिए पूरा तैयार होएगा। तो अभी वो 2 इंग्रेडिएंट भी डालने का है। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स करके लेना, क्योंकि सब मसाला सब जगह पकड़ना चाहिए, इसलिए अच्छे से मिक्स करके लो, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आएगा उतना। इसलिए अच्छे से सब मसाला पकड़ा तो एक मस्त टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद हमें नींबू डालना है। नींबू मेन है, नींबू स्किप मत करो तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि नींबू नहीं रहेगा तो इस डिश का असली टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नींबू ये मेन है। तो उसके बाद अभी कोतंबीर डाल देंगे। तो कोतंबीर भी डाल देंगे पूरा, कोतंबीर ऑप्शन ले, जिसको नहीं चाहिए डाल तो भी चलेगा, पर नींबू मेन है। नींबू नहीं रहेगा तो फिर इस टेस्ट ही नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए नींबू जरूर स्किप मत करना। तो अभी इसे ये भी अच्छे से मिक्स करके लेते। तो अभी हमारा डिश पूरा बन के तैयार हो गया। तो अभी हम ये खा भी सकते, और ये बहुत इजी रेसिपी है और 5-10 मिनट में बन भी जाता है। इसलिए आप लोग एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लगा। और ये बहुत इजी, इसलिए आप जल्दी बना भी सकते हो घर पे। ऐसे सिर्फ शेंगदानी थोड़ा उबालने का टाइम लगता है, बाकी सब इजी है बहुत सारा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो बाय बाय।